हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिट इन्फोटेक एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेट एक्स डिपेंडेंसी, और गेट एक्स डिपेंडेंसी के आज हम इस वीडियो में ढेर सारे बेनिफिट्स जानने वाले हैं और इसके डेटा पासिंग भी हमें आपको समझाने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज जानते हैं कि गेट एक्स क्या है। गेट एक्स एक स्टेट मैनेजमेंट विगेट है जो हमारी एंटायर पूरी एप्लीकेशन को डेटा पासिंग करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। जिस तरीके से हम पैरामीटर्स देके कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वे से डेटा पास करते हैं, तो ऑल इन वन सॉल्यूशन है गेट एक्स के पास। और गेट एक्स हमारा जो यूज होता है मेजरली हमारे स्टेट मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। गेट एक्स के पास तीन ऐसे क्राइटेरिया है जो हमारी फ्लटर एप्लीकेशन को वो इम्प्रूव कर देता है। फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन एंड रेडेबिलिटी, एंड थर्ड इज परफॉर्मेंस। सबसे पहले हम देखेंगे गेट एक्स क्या लाइब्रेरी। तो सिंपली हम गूगल के ऊपर सर्च करेंगे गेट एक्स पब, तो हमें रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिल के आएगा। फर्स्ट लिंक हमें ओपन कर देना है, पब डॉट डेवलपर वाला लिंक। तो वहाँ पे हमें फ्लटर की लाइब्रेरी अवेलेबल हो जाएगी। तो वो लाइब्रेरी को हमें जस्ट कॉपी कर लेना है, और वो कॉपी करने के बाद में हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर पब स्पेक डॉट वाईएमएल फाइल में क्यूपर्टिनो आइकन के जस्ट बिलो पेस्ट कर देना है। अच्छा, क्यों आ गया भाई, कर लिया। हाँ, ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हमें पब गेट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो हमारा जो गेट एक्स का जो डिपेंडेंसी है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डाउनलोड हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा लाइब्रेरी डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसमें हमारी मेन फाइल में जाएंगे और मेन फाइल के अंदर देखेंगे ये हमारा मटेरियल ऐप जो विगेट करके जो हम रिटर्न कर रहे हैं मेन फाइल को, उसको हम कर देंगे गेट मटेरियल ऐप विगेट रिटर्न। तो हमारा गेट एक्स एकदम बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हम करेंगे एक कंट्रोलर। अब हम एक नया कंट्रोलर करेंगे, क्या सिलेक्ट हुआ है, इसका नाम देंगे हम स्क्रॉल कंट्रोलर। स्क्रॉल कंट्रोलर, तो हमने स्क्रॉल कंट्रोलर बना लिया है। अब हम स्क्रॉल कंट्रोलर के अंदर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर देते हैं गेट डॉट डार्ट। यस, ये फर्स्ट वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी। अब यहाँ पर हम एक कंट्रोलर क्लास कंट्रोलर बनाएंगे। क्लास जो फाइल का नाम दिया है हमने स्क्रॉल कंट्रोलर एक्सटेंड, तो हम एक्सटेंड करेंगे गेट एक्स कंट्रोलर से। इससे क्या होगा, जो हमारा गेट एक्स कंट्रोलर है उसकी अंदर के जितने जितने भी फीचर्स होंगे वो हम स्क्रॉल कंट्रोलर क्लास के अंदर यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम देते हैं आई इज इक्वल टू जीरो डॉट ओबीएस। ओबीएस ऑब्जर्व जो करना रहता है हमारे वेरिएबल को, लाइक कोई चेंजेबल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होने वाली है, वो वैसे सारे वेरिएबल के पीछे डॉट ओबीएस लिखा जाता है। तो उससे गेट एक्स को ये पता चलता है कि ये वेरिएबल का स्टेट मैनेज करना है। तो यहाँ पर हम लोग एक मेथड बनाएंगे void count increment, नाम दे देते हैं हम increment
यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट क्या करवाना है आई को, आई प्लस प्लस, सिंपल इतना करना है आई प्लस प्लस। यहाँ पे ओनली आई नहीं होगा, यहाँ पर आई की वैल्यू होगी, तो आई डॉट वैल्यू प्लस प्लस, यहाँ पे सिंपल प्लस प्लस हो जाएगा। ये हमारा कंट्रोलर बन चुका है। तो अब हम एक बाइंडिंग क्लास बनाने वाले हैं। बाइंडिंग क्लास में क्या करेंगे, हम कंट्रोलर को कॉल कर देंगे, ताकि जब हमने गेटेक्स को इम्प्लीमेंट किया है तो उसको बाइंडिंग दे देंगे, वहाँ से हमारा स्क्रॉल कंट्रोलर कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस फाइल का नाम देते हैं हम काउंटर बाइंडिंग, बाइंडिंग डॉट डार्ट। यहाँ पर हम एक बाइंडिंग बनाएंगे, क्लास काउंटर बाइंडिंग, काउंटर बाइंडिंग उसे एक्सटेंड करवाएंगे बाइंडिंग के साथ, बाइंडिंग्स। मैथ वन, ऑलराइट, ओके। ये डिपेंडेंसी इसकी बाय डिफॉल्ट मेथड है, बाइंडिंग के अंदर सबसे पहले डिपेंडेंसी ही कॉल होती है। डिपेंडेंसी के अंदर हम लिखेंगे, यहाँ पर हमें कंट्रोलर कॉल करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम कंट्रोलर को इस तरीके से कॉल करवाएंगे, गेट डॉट, गेट डॉट लेजी पुट। तो यहाँ पे हमारे कंट्रोलर का नाम स्क्रॉल कंट्रोलर, स्क्रॉल कंट्रोलर, ओके। तो यहाँ से हमारा कंट्रोलर कॉल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा, यहाँ से हमारा स्क्रॉल कंट्रोलर बन गया, काउंटर बाइंडिंग बन चुका है। अब हम मेन फाइल के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। यहाँ पे देखो स्टेट लेस विगेट है, ये सब कोड हमें निकाल देना है, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। हम हमारा पूरा गेटेक्स वाला कोड स्क्रैच से करेंगे। माई एप उसको हम एक्सटेंड करवाएंगे गेट व्यू से, क्योंकि ये हमारा व्यू बनने वाला है, तो यहाँ पर हमें गेट व्यू के साथ एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। यहाँ पर एक मेथड बना देते हैं बिल्ड करके, ये कॉन्स्टेंट को निकाल देते हैं, ऐड की कर देते हैं कंस्ट्रक्टर, और कॉन्स्टेंट वापस से लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा शॉर्ट एंड स्वीट कोड। अगर हम कंट्रोलर को कॉल करवाएंगे, तो काउंटर कंट्रोलर जो हमारा क्लास है वो है स्क्रॉल कंट्रोलर, स्क्रॉल कंट्रोलर। स्क्रॉल कंट्रोलर जो तरीके से रहेगी, स्केफोल्ड, स्केफोल्ड के अंदर हम लिख देंगे एफ बार, उसके अंदर टाइटल करके टेक्स्ट काउंट, और सेंटर में रहेगा। फिर हमने बॉडी में लिया है सेंटर विगेट, सेंटर के अंदर एक चाइल्ड लिया है, चाइल्ड के अंदर एक कॉलम, कॉलम को भी पूरा सेंटर में रख दिया हुआ है, उसके अंदर चिल्ड्रन, और यहाँ पे देखो ये ओ बी एक्स करके क्लास जो पूरा ऑब्जर्व वैल्यू कर रहा है, मतलब कि ऑब्जर्व मतलब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ वैल्यू चेंज होने वाली है, जो मतलब लाइव है, लाइव जो चेंजेबल है उसको ऑब्जर्व करता है ओबीएक्स। तो
काउंट को हम कहेंगे आई, ठीक है। स्क्रॉल कंट्रोलर ये यहाँ पे फ्रेंड्स खास ध्यान दीजिएगा, स्क्रॉल कंट्रोलर करके उसकी डिपेंडेंसी में ऑलरेडी एक क्लास है, तो हमारा जो स्क्रॉल कंट्रोलर क्लास है वो कॉल ही नहीं हो रहा है, तो हम इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसका नाम रख देते हैं स्क्रॉल एक्स कंट्रोलर, और दूसरी जगह पे हम उसको कॉल कर देते हैं बाइंडिंग के अंदर स्क्रॉल एक्स कंट्रोलर। ओके, एंड नाउ हम मेन हमारी जो फाइल है उसके अंदर भी थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं स्क्रॉल एक्स कंट्रोलर, अब इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट स्क्रॉल एक्स कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर जितना भी हम कोडिंग करेंगे यहाँ पे और भी ज़्यादा हम लोग फंक्शन बना सकते हैं और वेरिएबल ले सकते हैं, यहाँ पे जितने भी लॉजिकल पार्ट ऑपरेशन होंगे वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, और काउंटर बाइंडिंग जो है वो हमारा कंट्रोलर को कॉल करता है। काउंटर बाइंडिंग वैसे तो जब हम हमारे क्लास को नेविगेट करते हैं ना, तो वहाँ पे नेविगेट करने के साथ में ही हम बाइंडिंग को डिक्लेयर कर देते हैं, तो वहाँ पर वो बाइंड होके कंट्रोलर को कॉल कर देता है। यहाँ पर और एक एरर है जो है इंक्रीमेंट की, तो ये इंक्रीमेंट कुछ हमारा काउंटर इंक्रीमेंट करके है। चलिए अब हम हमारे ये प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो फ्रेंड्स हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है और उसमें कुछ इस तरीके से एरर आ रही है, नो मीडिया कैरी वीगेट। ओके, नो मीडिया कैरी वीगेट कहाँ पर एरर है, स्केफोल्ड में। तो हम यहाँ पर एक चीज़ भूल चुके हैं, स्केफोल्ड की जगह पे हम करेंगे मटेरियल ऐप, और मटेरियल ऐप भी नहीं लेंगे, हम लेंगे गेट मटेरियल ऐप, और गेट मटेरियल ऐप के अंदर हम पूरा एक ब्लैंक पेज दे देते हैं, हमें नहीं चाहिए एक बार, और यहाँ पर हम डायरेक्ट ले लेते हैं होम। हमारे यहाँ पर एक बाइंडिंग बनाया था, तो हमने इनिशियली बाइंडिंग हमारा कौन है, हमारा इनिशियली बाइंडिंग है काउंटर बाइंडिंग, इसको ले लेते हैं काउंटर बाइंडिंग, ठीक है, काउंटर बाइंडिंग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, बाइंडिंग ही है पेस्ट। यहाँ पर काउंटर बाइंडिंग को इंपोर्ट कर लेते हैं डायरेक्ट, इंपोर्ट काउंटर बाइंडिंग डॉट, ठीक है। हमारे देखो एरर भी चली गई और हमारा बाइंडिंग भी इनिशियलाइज हो गया, और हमने जो कोड किया हुआ था वो था कि हमारी वैल्यू सारी प्लस प्लस हो रही है कि नहीं। तो अभी ये वेगेट को हम रैप कर देते हैं एक कंटेनर से, और कंटेनर में बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कलर देते हैं हम कुछ ग्रे टाइप का, क्योंकि अभी हमारा मटेरियल वेगेट में ना ही अखबार है और ना ही कुछ कोई भी चीज़ है, तो पूरा ब्लैक आएगा, उससे अच्छा है थोड़ा एक कलर डाल देते हैं। और अब हम इसको वापस से रन कर रहे हैं, देखते हैं अभी इस बार क्या होगा, हमारी एरर सॉल्व होगी या नहीं होगी। ओ वाओ ग्रेट, हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है और इसके गेटएक्स के थ्रू हमने काउंटर वैल्यू इज जीरो, अब हम इंक्रीमेंट बटन क्लिक करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर वन हो रहा है, हाँ हो रहा है। अब मैं इसको जितनी भी बार क्लिक करूँगा उतनी बार ये प्लस 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 होते ही जाएगा, और ये जो किया है हमने गेटेक्स की लाइब्रेरी यूज करके।